वेलकम टू सी गुरुजी चैनल। मैं हूँ पूजा और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, इसीलिए जुड़े रहेगा इस वीडियो के एंड तक। अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, इम्पोर्टेंट लगे तो और भी लोगों को अवेयर करने के लिए शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब बटन के साइड में दिया गया है छोटा सा बेल आइकन, उसे प्रेस कर लीजिएगा हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जीएसटी ऑडिट, यानी जो जीएसटी 9C है उसकी एक बड़ी खबर। आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी फाइनेंशियल ईयर 17-18 के जीएसटी ऑडिट की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2019, जिसके लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे कुछ चेंजेस फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए और नए फॉर्म जीएसटी पोर्टल पे लाइव होने थे जो अभी तक नहीं हुए हैं। उसी से रिलेटेड है बड़ी खबर, आपको लेकर चल रही हूँ जीएसटी पोर्टल पे और जानते हैं क्या गवर्नमेंट ने हमारे साथ शेयर किया है। मैं आ गई हूँ जीएसटी पोर्टल पे। यहाँ न्यूज एंड इवेंट्स में 28 नवंबर की एक न्यूज है, एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल 17-18। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, पहले तो आपको बताना चाहूंगी कि इस मैसेज को गवर्नमेंट 3 बार चेंज कर चुकी है। जी हाँ, पहले जो यहाँ पे मैसेज था वो ये था कि 10 दिसंबर तक एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट दोनों के लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, इस मैसेज को चेंज कर दिया और लिख दिया कि एनुअल रिटर्न के लिए फॉर्म्स का वेट मत करिए, एनुअल रिटर्न के फॉर्म वही रहेंगे जो पहले थे, कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। और ऑडिट के लिए लिख दिया कि 10 दिसंबर तक फॉर्म अवेलेबल होंगे। अब इस मैसेज को तीसरी बार फिर से चेंज कर दिया गया है और यहाँ पे लिख दिया गया है कि जीएसटी 9C के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन टूल अंडर डेवलपमेंट में है और ये 14 दिसंबर तक आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। फिर से डेट को चेंज कर दिया और हो सकता है एक बार और इसे चेंज कर दें। और चेंज भी कैसे कर रहे हैं कि पुराने ही न्यूज में इसे अपडेट कर रहे हैं, एटलीस्ट लोगों को इन्फॉर्म करना है तो एक नई नोटिफिकेशन के थ्रू कर दें या एक नए न्यूज अपडेट के थ्रू कर दें ताकि लोगों को अवेयरनेस तो हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म्स के वेट में बैठे हुए हैं कि कब ये फॉर्म आएंगे और हम अपनी रिटर्न को फाइल कर लेंगे। तो गवर्नमेंट तो पता नहीं कब फॉर्म्स चेंज करेगी, पर एनुअल रिटर्न के लिए तो क्लियर कर दिया है कि कोई फॉर्म में चेंज नहीं होने वाला है। फॉर्म में जो चेंजेस सजेस्ट किए गए थे नोटिफिकेशन नंबर 56 के थ्रू कि कुछ फील्ड्स को ऑप्शनल कर दिया गया था, जैसे एग्जांपल है टेबल नंबर 8 में जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की बायफर्केशन देनी होती थी, इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स, वो बायफर्केशंस ऑप्शनल कर दी गई हैं। इस तरह की और भी बहुत सारी ऑप्शंस वहां पे डाल दी गई हैं, पर फॉर्म में मॉडिफिकेशन नहीं किया जाएगा, लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। तो आपको अगर जानना है एनुअल रिटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं और ऑडिट के फॉर्म में क्या चेंजेस हुए हैं, यानी कौन से फील्ड ऑप्शनल कर दिए गए हैं, उसकी वीडियो को मैंने आई बटन पे लिंक कर दिया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अब अपनी एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए जो आपको फाइल करने हैं उसके लिए ज्यादा इंतजार ना करें फॉर्म्स के चेंज होने का और इन्हें फाइल कर ले, क्योंकि अब हो सकता है डेट एक्सटेंड ना हो। पर वैसे गवर्नमेंट बहुत ही स्लो मोशन में चल रही है फॉर्म्स को चेंज करने के लिए। एनुअल रिटर्न में दिक्कत आ रही है, ऑडिट में दिक्कत आ रही है, तो आपको मैं सजेस्ट कर रही हूँ क्लियरटेक्स का जीएसटी सॉफ्टवेयर। क्लियरटेक्स के सॉफ्टवेयर से एनुअल रिटर्न को फाइल करना बहुत ईजी है, 4 स्टेप्स में सभी रिकंसिलेशन के साथ आपकी एनुअल रिटर्न वहां से फाइल होगी। 30 डेज का इनका फ्री ट्रायल वर्जन है, उसे यूज करके देख लीजिए और अगर अच्छा लगे तो आपके लिए एक और गुड न्यूज है कि क्योंकि आप हमारे चैनल के व्यूवर्स हैं इसीलिए इनका प्रोडक्ट खरीदने पर, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है जो है फॉर द SMEs, आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट, तो एक बार चेकआउट जरूर करेगा। तो ये थी आपके लिए छोटी सी खबर कि अब फिर से गवर्नमेंट ने 9C का जो फॉर्म आने वाला है उसको लेकर आने के लिए डेट 14 दिसंबर कर दी है और अभी भी पता नहीं 14 तारीख तक भी फॉर्म आएगा या नहीं, क्योंकि 14 दिसंबर को सैटरडे है। लेट्स सी क्या ये फॉर्म आएगा, अगर आएगा तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी वीडियो। सो आई एम होपिंग दिस वीडियो इज रिलीवेंट फॉर यू। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और सीए गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमें फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, आईडी आपको मेरी स्क्रीन पे दी हुई है, और फेसबुक और ट्विटर पे सर्च कर लीजिएगा #CAGuruji। और हमारे उन सभी व्यूवर्स को दिल से करना चाहूंगी थैंक यू जिन्होंने हमारे सब्सक्राइब बटन के साइड में दिए गए छोटे से बेल आइकन पे प्रेस किया हुआ है और वो देखते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले। दिल से आपको थैंक यू, और आप भी बेल आइकन को प्रेस करके जुड़िए हमारी सबसे पहले देखने वाली फैमिली में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।